नमस्कार। आज हम दाल की फ्राई बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 कटोरी चने की दाल लिया है, 1 कटोरी उड़द की दाल लिया है, 3 चम्मच हमने धनिया लिया है, 4 मिर्च लिया है, हरी मिर्च लिया है, और ये लहसुन लिया है 8 से 10 कली, 2 इलायची लिया है, 5-6 दाने काली मिर्च के लिए है, ये 1/2 चम्मच जीरा लिया है, ये 1/2 चम्मच सौंफ लिया है, और ये 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं, 1 पिंच हींग लिया है। ये दाल को हमने 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। हमारी दाल फूल चुकी है और ये इसको हमने साफ करके धो लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसको अलग पीसेंगे और ये अलग अलग पीसेंगे, चने की दाल अलग पीसेंगे, उड़द की दाल अलग पीसेंगे। अब हम दाल पीस कर तैयार कर लेते हैं। हमने 2 कटोरी चने की दाल लिया है और 1 कटोरी उड़द की लिया है। अगर आप उड़द की नहीं मिलाना चाहते हैं तो 1 कटोरी मूंग की भी मिला सकते हैं दाल। अब हम इनको अलग अलग पीस लेंगे, फिर फ्राई बनाएंगे। हमने दाल पीस लिया है। अब ये मसाला जो सारा था उसको मिक्स करके अब पीस लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। ये 2-3-4 चम्मच पानी डाल देते हैं, इसके बाद हम पीस लेंगे। हमने मसाला पीस लिया है, ये दोनों दालें हमने मिक्स कर दी है। अब ये मसाला भी इसमें मिक्स कर देते हैं। ये मसाला हम दाल में मिक्स कर लेंगे। दाल बहुत बारीक न पीसे, दाल दरबरी रखे थोड़ा सा। ये मसाला हमने मिक्स कर लिया है। अब दाल के लिए हम हरा बनाने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। ये आटा बहुत गीला नहीं सानना है, जैसे रोटियों का आटा साना जाता है उसी तरह साने। ये आटा हमने सान लिया है। आटा आप मसल मसल कर साने तभी अच्छा रहेगा। हम फाड़ा बनाने के लिए लोइए तोड़ लेते हैं। लोइए थोड़ी छोटी छोटी रखेंगे। ये लोइयां बहुत बारीक नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटी रखेंगे। हम दाल में नमक मिलाएंगे, आप अपने स्वाद अनुसार मिलाएं। पहले नमक नहीं मिलाते हैं क्योंकि दाल गीली हो जाती है, इसलिए हम भरने के टाइम दाल में नमक डालना है। ये हरी धनिया डालेंगे। इसको मिला देते हैं। दाल मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें भरेंगे।
अब अपने हम फ्राई भरेंगे, इसमें दाल डालेंगे। इसको हम गुझिया के तरीके बंद कर देंगे। इसी तरह हम सारे फले भर कर तैयार कर लेते हैं। हमने फले भर कर तैयार कर लिए हैं, अब हम पानी चढ़ाएंगे। दो गिलास पानी डाला है, हम इसमें एक चम्मच नमक डाल रहे हैं और एक चम्मच तेल। अब हम गैस में चढ़ा देंगे। जब हमारा पानी खौल जाएगा तभी इसमें फले डालेंगे। हम ढक देते हैं। ये हमारा पानी खोल चुका है, इसमें हम फला डालेंगे। हमारे सारे फले पड़ चुके हैं, अब हम ढक्कन लगा देते हैं। में हम 3 सीटी लगाएंगे, उसके बाद गैस धीमी करेंगे, उसके बाद फिर 3 सीटी लगाएंगे। सीटी आ चुके हैं कुकर में, अब हम गैस धीमी कर देते हैं। दो तीन तीन सीटी और ले लेंगे धीमी आंच में, उसके बाद बंद कर देंगे गैस। ये हमारा प्रेशर निकल चुका है, हमारे फले पक चुके हैं, देख लेते हैं कैसे हैं।
ये पक गए हैं, ऊपर से चिकने हो गए हैं। अब इनको हम काट लेते हैं और काट कर फ्राई करेंगे। आप ऐसे भी खा सकते हैं अचार के साथ, घी के साथ, और सिरका का अचार है, जैसी आपको की पसंद हो वैसा खाएं। फ्राई करेंगे, इसी तरह हम सारे फरे काट लेंगे और फ्राई करेंगे। ये हमने फरे काट लिए हैं, अब इनको फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने तेल लिया है सरसों का, जीरा लिया है, कटी मिर्च ली है और हींग लिया है, हल्दी, धनिया पत्ती। अब हम फ्राई करेंगे। हमने पैन चढ़ा दिया है, हम गैस जलाते हैं। हमारा तेल गरम हो रहा है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अभी गरम नहीं हुआ है। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, जीरा हमारा चटकने लगा है, मिर्ची डालेंगे। हल्दी हमने डाल दिया, हल्दी पक चुकी है, अपने फरे डालेंगे। इनको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। आपको जितनी जरूरत हो उतने ही फ्राई करें, क्योंकि ये गरम गरम अच्छे लगते हैं। इसको अच्छी तरह पकाएं, हल्का गुलाबी होने तक। खाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कलर आ गया है, ये हम हल्के ब्राउन कलर के होने लगे। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इनको हम प्लेट में लगा लेंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इनको हम धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। हमारे फल कितने अच्छे लग रहे हैं।
आप इनको घी के साथ, चटनी के साथ, अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं।